हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी प्योर नेचुरल। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि आप बिना किसी नकली पलकों के अपनी लैशेस को कैसे ज़्यादा घना और लंबा दिखा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आप लूज पाउडर ले लीजिए, या मैं तो कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर रही हूँ, आप इसे ऐसे करके ले लीजिए, आप देख सकते हैं। और फिर ऐसे दोनों हाथों में मिक्स कर लीजिए, या फिर आप दोनों हाथों में ऐसे करके ले लीजिए और आप देख सकते हैं लगभग मैंने सारा ही मेकअप कम्प्लीट कर लिया है। और अब अपनी पलकों पर ऐसे करके लगाइए। तो गाइज़ आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कॉम्पैक्ट पाउडर अपनी लैशेस पर लगा रही हूँ। हमें ऐसे ही लगाना है। और आप चाहें तो आप कॉम्पैक्ट पाउडर ले सकते हैं, और आप चाहें तो लूज़ पाउडर भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है, और आप देख सकते हैं कि मैं अपनी दोनों लैशेस पर लगा रही हूँ अच्छे से। और जब ये लग जाएगा तो फिर मैं मस्कारा अप्लाई करूँगी। ऐसा मैंने 3 टाइम्स किया है। इससे मेरी पलकें जो हैं बहुत ज़्यादा लंबी और घनी हो गई हैं, और मुझे फेक आई लैशेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो गाइज़ अगर आप लोगों के पास में फेक आई लैशेज नहीं हैं, या फिर आपको अच्छा नहीं लगता लगाना, तो आप ये वाली ट्रिक ट्राई कर सकते हैं। ये मैक कंपनी का आई लाइनर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और गाइज़ ऐसा मैंने 3 टाइम्स किया है, आप लोग देख सकते हैं। पहले मैंने कॉम्पैक्ट लगाया है, देन उसके बाद में मैं मश्कारा लगा रही हूँ, और मैंने फिर से कॉम्पैक्ट के बाद मश्कारा लगाया है। यहाँ पर कॉम्पैक्ट लगाना थोड़ा सा स्किप हो गया मेरा, क्योंकि वीडियो बंद थी, मैंने ध्यान नहीं दिया। और गाइज जब ये अच्छे से लग जाएगा तो मैं फिर से एक बार और कॉम्पैक्ट लगाकर फिर उसके बाद में वो लगाऊंगी मश्कारा। तो गाइज आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है आप लोग देख सकते हैं। मैंने आपको दिखाया भी है कि मेरी पलकें कितनी ज़्यादा लंबी और घनी हो गई हैं। और जब ये हो जाएंगी आप देख सकते हैं, मैंने फिर से लिया है, ये देखिए आप, मैंने लिया कॉम्पैक्ट, अच्छे से लगाया अपनी पलकों पर। आपको बस वेट करना है कि आपको मश्कारा लगाने के बाद में आपकी पलकों पर से मश्कारा सूख जाए, और तब उसके बाद में आपको कॉम्पैक्ट पाउडर अपनी लैशेस पर अप्लाई करना है। और गाइज आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से मेरी जो पलकें हैं वो लंबी और घनी हो गई हैं। और गाइज़ आप लोगों को मेरी वीडियो आज की कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप देख सकते हैं कि कॉम्पैक्ट पाउडर से मेरा जो आईलाइनर था वो थोड़ा सा ढक गया था, इस वजह से मैंने ब्रश से पहले अपना कॉम्पैक्ट पाउडर आईलाइनर के ऊपर से हटा लिया है। और मैं आपको अब एक बार दिखा देना चाहती हूँ, आप देख सकते हैं मेरी आईलैशेस कितनी प्यारी और सुंदर सी हो गई हैं। तो आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए ठीक है, तो गाइज़ आपको आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक कीजिएगा मेरी वीडियो को, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और अपनी सभी सगे संबंधियों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचा रहे। तो चलिए गाइज़ मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।